कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने आज जम्मू बंद का आह्वान किया है। सरकार की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स लगाए जाने के विरोध में यह बंद बुलाया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, पैंथर्स पार्टी ने इस बंद को पूरी तरह से अपना समर्थन दिया है। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने बंद का समर्थन न करते हुए सभी वाहन तथा मेटाडोर सुचारू रूप से चलते रहने की घोषणा कर डाली है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि अधिवक्ता बुनियादी ढांचे को मजबूत करने समेत विभिन्न मांगों के संबंध में कामकाज से विरत रहेंगे। सीधे रुख करेंगे, इस वक्त का हाल जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी राजन वैद। राजन, आपसे जानना चाहेंगे, जम्मू बंद का आह्वान किया गया है, सुबह सुबह का वक्त है और आज के एजेंडे में हम ये तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। बिल्कुल हिना, अभी सुबह का वक्त है जैसे आपने कहा और उसके साथ आपको दिखा सकता हूं। हालांकि ट्रांसपोर्टर्स ने इस बंद को अपना समर्थन नहीं दिया है, इसलिए मेटाडोर्स आपको दिखाना चाहूंगा। मेटाडोर्स में जो पैसेंजर भी हैं और सुबह सुबह जो रश होता है बस स्टैंड के आसपास के इलाके में, वो वैसे ही है जैसे आम दिनों में होता है। उसके साथ साथ बात की जाए अगर दुकानों की, तो दुकानें हालांकि बंद हैं अभी और जो लोग हैं अपना वेट करते हुए उनको मेटाडोर्स जो है वो मिल रही हैं। जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो सड़कों पे आज नहीं आएंगे क्योंकि वो अपनी मेटाडोर्स चलाएंगे, अपनी गाड़ियां चलाएंगे। लेकिन ये जो क्योंकि चैंबर ऑफ कॉमर्स का बंद है तो इसमें जो दुकानदार है वो अपनी दुकानें बंद रख सकते हैं, लेकिन सही जो पिक्चर है वो 10 बजे के बाद मालूम होगी क्योंकि 10 बजे ही यहाँ जो मेन बाजार है वो खुलते हैं। लेकिन अभी जो है इक्का दुक्का दुकानें खुली भी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ हिना, यहाँ पे जो राशन की या खाने पीने की जो दुकानें हैं, हालांकि उन्होंने शटर आधे डाउन किए हैं लेकिन फिर भी उनकी जो दुकानें हैं खुली हुई है। ये एक राशन की दुकान है जो सुबह सुबह खुलती है और जैसे आम दिनों में खुलती है वैसे ही ये दुकान खुली हुई है। तो हालांकि सुबह सुबह तो बंद का कोई इम्पैक्ट ज्यादा दिखाई नहीं दिया है, लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरह से तमाम जो सामाजिक या जो सोशल जो संगठन है या पॉलिटिकल संगठन है जिन्होंने इस बंद को सपोर्ट दिया है, वो जब सड़कों पर आएंगे तो वो किस तरह से इन दुकानदारों से आह्वान करते हैं कि अपनी वो दुकानें बंद रखें। आपने दुकान खुली है क्या? आम दिनों में खुलती है दुकानें यहाँ पे? आज बंद का जो बंद है, जो आज दुकानें बंद रखी जाएंगी या खुली जाएंगी? ये सब बंद रखनी चाहिए, ये हमारा अपने लिए है, बेनिफिट अपने लिए है, पब्लिक के लिए बेनिफिट है, आम पब्लिक के लिए बेनिफिट है। हमको ये बंद प्रोटेस्ट करना चाहिए, अदरवाइज हम आगे फंस सकते हैं, आगे कुछ भी हो सकता है। आपको पता है आपको कितना प्रॉपर्टी टैक्स देना है? आपने कैलकुलेट किया? क्योंकि गवर्नमेंट ने तो पहले ही डाले थे लिंक्स जिसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पर पता है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कि हम वो देखेंगे जैसे ऐसा जैसे ऐसा सर्कल होगा वैसे वैसे वो टेस्ट डालेंगे। ये नहीं है कि सबको एक जैसा टेस्ट भी डालेंगे, स्केल देख के टेस्ट डालेंगे वो। आप जैसे कुछ दुकानें यहाँ पे खुली हैं, कुछ दुकानें बंद हैं, तो आपस में भी मतभेद हैं दुकानदारों के? मतभेद कोई नहीं है, जैसे ये दुकान जो खुली है, हालांकि आप चाहेंगे कि आपकी दुकान खुले, आपका काम काज चले? नहीं नहीं, बंद कर रखेंगे हम, ऐसे खोली है थोड़ा सफाई करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल राजन, ये तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे और इलाके का नाम भी जरूर हम आपसे जानना चाहेंगे जहां पर आप मौजूद हैं। और ये जरूर वहां पर पूछिएगा कि क्या आम लोगों को पता है कि इस बंद का आह्वान जो है वो क्यों किया गया, क्योंकि ये जानना भी जरूरी है। आप तक आएंगे हमारे साथ हमारे एक और साथी रजत वोरा भी मौजूद है। रजत, आपका रुख करना चाहेंगे, आप किस इलाके में है जम्मू के? और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, क्या जो आम लोग जो बंद में शामिल हो रहे हैं उन्हें पता है कि ये बंद क्यों किया गया, क्योंकि यहां पर ये जानना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल हिना, इस समय हम सिटी चौक में मौजूद हैं, भारत माता चौक के नाम से ये जाना जाता है। और पिछले अगर बात करें तो कई सालों से सबसे पुराना बाजार है ये। मार्केट की अगर हम स्थिति बताने की आप लोग कोशिश करेंगे तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मिला जुला असर जो है वो देखने को मिल रहा है। जहाँ पर अभी की अगर हम बात करें तो साफ तौर पर 10 बजे के आसपास ही ये मार्केट जो है वो खुलती है, बट बावजूद उससे पहले ही जो सुबह सुबह की शॉप्स हैं वो खुली हुई हैं। जिस तरह से ये हलवा वाला आप देख सकते हैं, हमेशा से ही सुबह
सुबह ये खुलता है वो नॉर्मल रूटीन में। वहीं अगर बात करें तो मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट जो है वो सुचारू रूप से यहाँ पर चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि पहले ही DIG जम्मू शक्ति पाठक द्वारा कह दिया गया था कि जम्मू में कोई भी व्यक्ति जो है उसको किसी की दुकानें बंद करने की जो परमिशन है वो नहीं दी जाएगी। जो अपनी मर्जी से अगर वो इस पर एहतजाज करना चाहते हैं, कोई नाराजगी है उनकी प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, तो वो जरूर जो है कहीं ना कहीं अपनी राय जो है वो रख सकते हैं और दुकानें बंद कर सकते हैं, बट किसी को जबरन जो है वो मना नहीं किया जा सकता। वहीं अगर हम बात करें तो कुछ लोग भी हैं वो भी यहाँ पर जो है मौजूद हैं, जो लगातार सुबह सुबह का जो काम है वो अपना करने निकले हुए हैं। इनसे बातचीत करने की यहाँ कोशिश करेंगे। सर, जम्मू बंद का बात चैम्बर द्वारा की गई थी, किस तरह से आप लोग यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल फुल सपोर्ट कर रहा हूँ जी, मैं तो एक्स वाइस प्रेसिडेंट हूँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का जी, तो हम तो पूरी सपोर्ट करेंगे जी। कितना असर देखने को मिल रहा है मार्केट में? अभी तक तो फुल असर है और रहेगा शाम तक जी। और गवर्नमेंट को ठीक है टैक्स लगा रहे हैं, मनाही नहीं है वाले, कोई भी कभी पीछे नहीं रहे, मगर एक सिस्टम होता है कि आप पहले लोगों को जागरूक करिए, उसके बाद टैक्स लगाइए और लोगों को बताइए कि किस चीज। ये तो एक फरमान जारी कर दिया है उन्होंने, जैसे होता है कि रात को सो के उठे सुबह पता चला जी एक नया टैक्स लगा गया, या ऐसा नहीं होता है। जो इलेक्टेड हुकूमत होती है उसका और इनका बड़ा फर्क है, ये ब्यूरोक्रेट्स है बाहर से आया, इनको क्या पेन है जम्मू वालों को कि कितने पूरे हालात से ये गुजर रहे हैं और गुजरे हैं। अभी जिस तरह से ये सबसे पुरानी मार्केट है जम्मू की, यहाँ पर काम काज क्या हालत है और प्रॉपर्टी टैक्स देने के लोग हक में है या नहीं है? मैं कह रहा हूँ जी, कभी भी हमारे देशभक्त लोग हैं जम्मू के, टैक्स देने के पीछे नहीं रहते हैं, एक वाजिब टाइम होना चाहिए टैक्स का। रजत आप इनसे ये पूछिए अपने तरीके से कि लगातार सरकार द्वारा कहा जा रहा है, वहां पर जो सरकार है उसके द्वारा तमाम तर जो ऑफिसर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो टैक्स लग रहा है ये लोगों के ही काम आएगा, वहां के जो तमाम काम हैं उनके लिए ये यूज किया जाएगा। ये बात क्या सरकार समझा नहीं पा रही है या किस तरह से इस बात को आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति है इसलिए इनका भी अहम फर्ज बनता है। ये चीज आप अपने तरीके से पूछिए रजत जी। बिल्कुल, जिस तरह से सरकार भी कह रही है कि जो है टैक्स है 40% लोगों में नहीं लगेगा और ये जो टैक्स कलेक्ट होगा वो म्युनिसिपैलिटीज और जो कमेटीज है उनके काम आएगा, लोगों की तरक्की के लिए जो काम आएगा, आपको लगता है कि लोग जो है वो उसके लिए तैयार होने चाहिए या फिर वो अभी अभी जो है टाइम नहीं है? सर, नो डाउट कि जो सरकार कह रही है वो ठीक कह रही है कि काम तो पब्लिक के ही आएगा, पर मैं कह रहा हूँ कि पब्लिक भी पीछे नहीं हटती, एक सिस्टम है, तरीका है लगाने का, फरमान पत्र जारी करो, टैक्स लगाओ, तरीके से लगाओ, पब्लिक को पहले अवेयर करो। पब्लिक जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, चैम्बर है, अपने बार एसोसिएशन है, ट्रांसपोर्ट है, इन लोगों को पहले बुलाइए, इनको जागृत करिए और इनको इनकी ड्यूटी लगाइए कि आप अपने माहौल में अपने सिस्टम में ये लोग ये ऐसा अवेयर करिए लोगों को। तो ये रात को सोते हैं, सोकर उठते हैं, सुबह पता चलता है नया टैक्स आ गया, आज ये हो गया जी, ये फरमान जारी हो गया, ऐसे नहीं होता है। साफ तौर पर ही ना इन लोगों का यही कहना है कि लोग जो है वो टैक्स देने के हक में हैं, पर सरकार जो है एक सिस्टम से अवेयरनेस ड्राइव चलाए या फिर पहले लोगों को सचेत करे कि इस तरह का टैक्स लगने वाला है, आपकी क्या राय है, लोगों का कॉमन कंसेंसस जो है वो ले और उसी के बाद जो भी वो राय है वो दिखने। हालांकि इधर की अगर जम्मू के मार्केट की बात करूं तो असर जो है वो साफ तौर पर जरूर देखने को मिल रहा है, पर लोगों की जो मिली जुली राय है वो यहाँ पर लगातार आ रही है और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि टैक्स से वो कभी भी जम्मू के जो लोग हैं वो पीछे नहीं हटते, पर लोगों को ये सरकार को ये जरूरत है कि वो कहीं ना कहीं सबसे पहले इस तरह के इंतजाम करे, इस तरह के लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे या इस तरह के प्लेबिसाइड की तरह कुछ ऑप्शंस इस तरह के करे ताकि लोगों की जो राय है वो भी ले और उसके बाद कोई फैसला अगर लेना है तो वो सभी को मंजूर होगा जी। बिल्कुल रजत, आपके पास आएंगे, हमारे साथ राजन वैद भी लगातार मौजूद है। राजन, हमने देखा था कि बाकायदा होर्डिंग्स लगाए गए थे, बाकायदा कई तरह के इसमें अभियान चलाए गए जिसमें यह समझाने की कोशिश की गई थी कि प्रॉपर्टी टैक्स अगर लगाया जा रहा है तो वो किस तरह से लोगों के ही काम में यूज किया जाएगा, लेकिन आज जब ये बंद का आह्वान किया गया है और जिस तरह से बाजार अभी नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अभी और अवेयरनेस लाने की जरूरत है, अभी और लोगों को बताने की जरूरत है? जी बिल्कुल हीना, एक बात तो हमने बात की है यहाँ पे शॉपकीपर से, उन्होंने एक बात तो कही है कि हम प्रॉपर्टी टैक्स देना चाहते हैं लेकिन हमें
हमें पहले कॉन्फिडेंस में लिया जाए, हमें ये बताया जाए। और सबसे अहम बात उन्होंने कहा कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट का यहाँ पे वेट होना चाहिए, जब यहाँ पे चुनाव हो जाए, इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव आ जाए, वो इस बात का डिसीजन लें कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाना है या नहीं लगाना है। और इनका कहना है कि आनन फानन में जिस तरह से अभी 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 भी जो इनकी ईएमआई आई जो कोविड के टाइम्स में पेंडिंग हो गई थी, अभी भी वो उसको पे करने में लगे हुए हैं, ऐसी तरह की बातें हैं। लेकिन कुछ शॉपकीपर्स ऐसे हैं जो कहते हैं ठीक है, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि कंट्रीब्यूशन होना चाहिए हमारा, तो हम देने को तैयार है। लेकिन उनका ये कहना है कि कहने कहीं अभी भी कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है उनके मन में, क्योंकि ये कहा गया है 1,000 स्क्वायर फीट तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर किसी की 2 माले की बिल्डिंग है तो वो 1,500 स्क्वायर फीट के जो उसमें सर्कल में आ जाता है, तो उसको जो टैक्स है वो ज्यादा देना पड़ेगा। इस तरह की कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे जो दुकानें हैं या मकान है वो सिंगल स्टोरी कम है, डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी ज्यादा है, तो उनको ये कंफ्यूजन है कि अगर ट्रिपल स्टोरी है तो उनका अगर 3,000 स्क्वायर फीट या 4,000 स्क्वायर फीट बन जाता है तो उनको कितना पेमेंट करना पड़ेगा साल का। तो इसमें उनको ये भी शक शुबा है कि ऐसा हो सकता है कि सरकार अभी कम जो है इसको कम बढ़ाया है, लेकिन आगे जाके इसको ज्यादा भी किया जा सकता है, तब वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी अगर उनको कदम जो अगर नहीं उठाया गया तो एक सिंबॉलिक जो एक प्रेशर था चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कॉमर्स पे, उसके चलते ही इस बंद को जो है इसका आह्वान किया गया था। और इसको जो सपोर्ट है, हालांकि कई पार्टियां ऐसी भी हैं जो एक बिल्कुल राजन, इस अहम मामले पर लगातार तस्वीरों के जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आज का एजेंडा में अपने दोनों साथियों का, रजत वोहरा का और राजन वैद का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इस बेहद अहम खबर पर लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आज का एजेंडा